यूपी में राज्यसभा के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें यूपी में 10 राज्यसभा सीट हैं जिसके लिए 11 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। मतदान सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चलेगा और उसके बाद 5 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो गई। उम्मीद है कि रात तक नतीजे भी सामने आ जाएं। हम आपको बता रहे हैं कि यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है और शाम 4 बजे तक ये मतदान चलेगा। सुबह 9 बजे से ये मतदान शुरू हुआ था और शाम 5 बजे से मतगणना की जो गिनती है वो होगी, जिसके बाद उम्मीद है कि रात तक नतीजे भी सामने आ जाए। हम आपको बता रहे हैं कि यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे और वहां पर मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हुए थे जो शाम 4 बजे तक चलेंगे, जिसके बाद 5 बजे से गिनती शुरू होगी और उसके बाद उम्मीद है कि रात तक नतीजे भी सामने आ जाएं। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। यूपी में 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं राज्यसभा चुनावों में और उसके लिए मतदान सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था जो शाम 4 बजे तक चलेगा। उम्मीद है कि आज रात तक नतीजे भी आ जाएं क्योंकि शाम 5 बजे से गिनती भी शुरू हो जाएगी। ये खबर हम यूपी की दिखा रहे हैं जहां पर राज्यसभा के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बता दें यूपी में 10 राज्यसभा सीटें हैं और 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। 9 बजे से सुबह मतदान शुरू हुआ था, शाम 4 बजे तक चलेगा। शाम 5 बजे से मतदान की गिनती शुरू होगी, मतगणना शुरू होगी और उम्मीद है कि उसके बाद रात तक नतीजे भी सामने आ जाए। आज आपको बता दें कि 3 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें से यूपी के 10 सीटों पे चुनाव का आरंभ हो चुका है। लोग अपने वोट डालने जा रहे हैं, लोग सुबह 9 बजे से वोट डालने जा रहे हैं, जो ये वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। 5 बजे मतगणना के नतीजे आने की भी संभावना है। 10 राज्यसभा सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश।